यूज करते हैं सीबॉम, राइट? आपका ग्राफिक ग्राफ्स का कस्टमाइजेशन के लिए व्हाट वी यूज, सीबॉम. तो लेट्स से इन सीबॉम वी हैव सम डेटा सेट्स जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, है ना, जो आपके लाइब्रेरी में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं. तो व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन दैट, या आप अपना सीबॉम का लाइब्रेरी का पैकेज को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उससे डेटा सेट्स इम्पोर्ट करके आप वर्क कर सकते हो. या इफ यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, यू कैन वर्क ऑन दैट टू, राइट? सो यू डोंट नीड टू डाउनलोड फ्रॉम समवेयर एल्स. ओके, सो लेट्स सी हाउ मेनी डेटा सेट्स आर देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा सेट्स आर देयर, एंड हाउ कैन वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा सेट्स आर देयर इन द सीबॉम. ठीक है, सो लेट्स सी. तो आज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस देखेंगे एंड उसी में पैरामीटर्स भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? ठीक है, चलो. तो लेट्स से अगर देखने हैं कि नंबर ऑफ डेटा सेट्स अवेलेबल इन सीबॉम एंड द मेथड टू लोड द डेटा सेट्स, कैसे देखते हैं. So to see the number of data sets, क्या करोगे आप, फंक्शन यूज करेंगे किसका, SNS dot get data set names. अब सब डेटा सेट नेम्स, ठीक है, स्पेलिंग एरर माइट बी देयर. तो गेट डेटा सेट नेम्स में आपको क्या दिखा, ये इतने सारे डेटा सेट्स हैं जो आपके, ये आपके प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, राइट? सो दीज आर द नंबर ऑफ डेटा सेट्स व्हाट यू कैन यूज विदाउट डाउनलोडिंग, राइट? यू जस्ट नीड टू इम्पोर्ट एंड यू नीड टू राइट द नेम इन द पैरेंथेसिस टू लोड इट. तो देखने के लिए हमने क्या देखा कि SNS सीबॉम जैसे इंपोर्ट किया, ठीक है, विद अ स्मॉल नेमिंग फैक्टर आपने SNS दे दिया, तो SNS डॉट गेट डेटा सेट नेम्स पे आपको इतने सारे डेटा सेट्स दिख गए, ठीक है. अभी इन डेटा सेट्स पे इफ वी वांट टू यू नो लोड एनी ऑफ द डेटा सेट, मान लो हमको IRIS का डेटा सेट लोड करना है, या पेंगुइन्स का लोड करना, या टाइटेनिक का लोड करना है ना डेटा सेट, तो कैसे लोड करेंगे. Then we'll be using SNS dot load dataset. अब load dataset में you don't need to write कि this CSV format, Excel format, ये यहाँ पे pre-installed होते हैं. बस आपको file का नाम लिखना है. तो let's say IRIS का file load कर रहे हो या Titanic का file load कर रहे हो, जो भी जैसे भी आप ले लो, ठीक है. तो let's say passengers का data होगा यहाँ पर एक flights करके, हाँ ये रहा flights. तो flights का data load करते हैं. बस आपको ऐसा लिखना है एंड लेट्स से ये नेम दे देते हैं फ्लाइट सीक्वेंस को समथिंग लाइक दिस, ठीक है. ये आपका फ्लाइट्स का डेटा लोड हो गया. तो ईयर मंथ पैसेंजर ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है. एनी प्रॉब्लम, डेटा सेट लोड कर लिए, ठीक है. आपको अंडरस्कोर सीएसवी और ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है यहाँ पर, समझ में आया क्या. तो अभी मैं एक ग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है. हिस्टोग्राम प्लॉट कैसे देखते हैं, हमने मैटप्लॉटलिब में देख लिया कैसे हिस्टोग्राम देखते हैं. तो अभी बस हिस्टोग्राम प्लॉटिंग एक बार देख लेते हैं, आपको आउटपुट्स कैसे रिजल्ट होने वाले हैं. तो इसका मैं सैम्पल रहने देता हूँ यहाँ पर. फोर सैंपल्स रखते हैं, ठीक है.
एक ईयर में एक पर्टिकुलर मंथ पे कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैव ट्रैवल्ड, इसका हीट मैप बाद में देखेंगे. अभी विल सी टू दी प्लॉटिंग. तो लेट्स से डीएफ का पैसेंजर्स कैसे ट्रैवल किए हैं. इफ यू वांट टू लुक क्या ये फ्लाइट्स हैं, इनका हिस्टोग्राम देखना है, तो कैसे करेंगे? प्लॉट हिस्टोग्राम, बस विल गेट द हिस्टोग्राम. तो ये आपको हिस्टोग्राम दिख गया कि दिस इज द हिस्टोग्राम ऑफ द पैसेंजर्स जो ट्रेवल किए. समझ आ रही बात? सिंपल सा प्लॉटिंग था, कोई प्रॉब्लम हुआ? हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. बताओ किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बंदे में पैसेंजर्स में क्या है, वैल्यूज होंगे ना 350 की 264, कैसे कैसे वैल्यूज आए. देखो नीचे 100 to 600 में वैल्यूज लाई की है, तो इस वैल्यूज में आपको एक फ्रिक्वेंसी निकालना है, तभी तो इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, है ना. तो आपको वैल्यूज देख के आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई थिंक फ्लाइट्स डेटा सेट के अंदर पैसेंजर्स कॉलम को एक्सेस किया आपने, उसके बाद प्लॉट किया, क्या प्लॉट किया, हिस्टोग्राम प्लॉटिंग चाहिए था, हिस्टोग्राम प्लॉटिंग कर लिया. ठीक है, तो सी बॉन में फिगर स्टाइल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फिगर स्टाइल्स आएंगे बाद में. आप सेट स्टाइल कर सकते हो, एस एन एस डॉट सेट थी, ये फंक्शन देखा था, है ना. इस तरह का कुछ प्लॉटिंग चाहिए होगा तो तीन सेट करके फिर पैरामीटर्स अंदर जो है आप डिफाइन. कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपके पास? डार्क ग्रिड, वाइट ग्रिड, डार्क वाइट एंड टिक्स. मैं लिख दे रहा हूँ. स्टाइल्स कितने हो गए आपके पास? डार्क ग्रिड, वाइट ग्रिड, डार्क वाइट एंड टिक्स हमने पढ़ा है. ठीक है, टिक्स क्या होते हैं? एक एक्सेस में जो लेबल्स करते हुए एक्सेस में या वाई एक्सेस में आपने जो लेबल्स रखा है, लेबल्स के नेम जो है उनको हम कहेंगे टिक्स. ठीक है, चलो आगे. इतने टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक, नहीं है तो आगे बढ़े. अब वर्टिकली स्टैक प्लॉट एंड हॉरिजॉन्टली स्टैक प्लॉट हमने देखा है. स्टैक का मतलब समझ रहे हैं ना? बताओ तो जल्दी बताओ, स्टैक का मतलब समझते हो? अच्छा एक बात बताओ, चलो एक्स का हमने ले लिया एक वैल्यू. ठीक है, मैटप्लॉटलिब में एक सिंपल सा ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं. एक्स में मैंने लिया np डॉट लिन स्पेस, ठीक, 0 to 2 मल्टीप्लाइड बाय np डॉट पाई, और कुछ 400 वैल्यूज रख लिया. वाई में मैंने रखा np डॉट साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर. ठीक, लिन स्पेस 0 to 2, क्या प्रॉब्लम है? आर्गुमेंट मस्ट बी अपर इंटरवल. अच्छा चलो, इसके बाद एक फिगर और एक एक्सेस क्रिएट किया हमने, जो कि कल पढ़ा है सब प्लॉट्स. अच्छा सब प्लॉट्स क्रिएट किया. लेट्स से हमने प्लॉट किया एक्स वाई और टाइटल सेट कर दिया सिंगल प्लॉट. कैसे प्लॉट आई? एकदम सिंगल सा प्लॉट, है ना. कोई प्रॉब्लम आया इसमें क्या? एक्स एंड वाई प्लॉट किया, एक्स का वैल्यूज है कुछ, वाई का वैल्यू कुछ है, आपने प्लॉट कर दिया बस. इसी को सब प्लॉट में देखना था तो कैसे करते थे? वर्टिकली स्टैक प्लॉट होता था, तो एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इसको, अगर भूल गए होगे तो. तो वर्टिकली स्टैक प्लॉट में क्या होता था? सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है. फिगर एंड ए, अगेन आपने एक एक्सेस क्रिएट किया वीएलटी डॉट सब प्लॉट्स. अब आप डिफाइन करते थे, नाउ यू नीड टू डिफाइन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लॉट्स यू वांट. तो रोज एंड कॉलम्स आर द पैरामीटर्स, यू नो, लाइक कल हमने देखा था 2x2 में लास्ट में. तो इफ यू वॉन्ट ओनली रोज, और क्योंकि ये वर्टिकली है तो वी नीड ओनली वन कॉलम, राइट? सो विल टेक 2 एज द रोज एंड विल राइट फिग डॉट. Like you need to write subtitle over there, so you can write subtitle like this subtitle. Okay, so it will be VS plot
vertically stacked what I'm writing, not making the three shortcuts there. So AX of 0, like on the first row, okay, what you need to plot, X versus Y. And in the A of 1, I'll plot X versus minus Y. Plot karo graph. I think isme bhi koi problem nahi hona chahiye. Aapko yaar ek minute ka problem hai. Chalo. To problem hai isme. Jaldi batao. Bolo bolo. हॉरिजॉन्टल स्टैक पॉइंट देखते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या इस ग्राफ में? सब प्लॉट्स क्रिएट किया टू, कोई भी कॉलम नहीं डाला तो कोई भी कॉलम नहीं आया, सिर्फ रोज आया है, वन रो एंड सेकंड रो एंड वैल्यूज आपकी लाई कर गई है ऐसे, ठीक है? पहला प्लॉटिंग में आपने एक्स वर्सेस वाई किया, दूसरे में माइनस वाई से के साथ प्लॉट कर दिया। हॉरिजॉन्टल स्टैक प्लॉट में सेम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे वैल्यूज कैसे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास सिर्फ वन रो होने वाला है, ठीक है, और टू कॉलम्स होने वाले हैं। अभी आपके पास टू रोज थे, वन कॉलम था, ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ कुछ नहीं डाला मतलब टू क्रॉस वन है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर सिर्फ टू लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे वन रो चाहिए, तो आई नीड टू डिफाइन नंबर ऑफ रोज। ऐसा दे दिया, वीएस प्लॉट की जगह एचएस प्लॉट दे रहा हूँ, और सेम प्लॉट करने वाले हैं, तो ये आपको दिख गया। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आप टाइट लेआउट भी ले लो इनके साथ, थोड़ा बेटर आउटपुट दिखेगा कुछ इस तरह का। यहाँ तो फिर भी ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के आउटपुट आते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दो ग्राफ साइमल्टेनियसली कैसे फॉर्म करते हैं सब प्लॉट्स का यूज करके, आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो पैंडास में हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करते हैं? नॉर्मल आप किसी भी कॉलम का वैल्यूज लेके आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं, बट इफ इट इज द केस ऑफ सीबॉर्न, तो वहाँ पे इफ यू आर वर्किंग सी, जब आप डेटा के साथ काम करते हो तो यू हैव टू काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, तो टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा पे आप वर्क करते हो। वन इज योर यूनिवेरिएट डेटा एंड द अदर वन यू से इट हैज टू बी बाईवेरिएट डेटा, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट देन? इफ यू आर वर्किंग विद वन सिंगल डेटा, जैसे आपने सिर्फ पैसेंजर्स कॉलम एक्सेस किया, तो दैट इज वन सिंगल डेटा, है ना, सिर्फ एक रो है, तो यू विल से इट हैज टू बी यूनिवेरिएट डेटा। और इफ यू आर वर्किंग विद पैसेंजर्स टू एंड लेट्स से आप दूसरे कॉलम पे भी एक्सेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पैसेंजर्स कॉलम ले लिया और आपने ईयर कॉलम भी ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों को एक्सेस करोगे तो यू विल बी वर्किंग विद बाईवेरिएट, या एक से ज्यादा डेटा पे इफ यू आर वर्किंग यू आर वर्किंग विद द बाईवेरिएट डेटा, ठीक है। तो विद द यूनिवेरिएट डेटा इन सीबॉर्न, इफ यू वांट टू सी द ग्राफ विद अ यूनिवेरिएट डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटिंग इफ यू वांट टू सी ऑफ एनी यूनिवेरिएट data or any single data, then the best function to plot the graph is dist plot, okay, that is called as distribution plotting. So ye bas basically it is used for univariate data. Theek hai, categorical plotting mein aate hain, sorry distribution plotting mein aate hain, aur वन प्लॉट वन डेटा पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। एफ एन एस डॉट डिस्क प्लॉट, अब मैं की फैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, व्हाट वी नीड टू प्लॉट इज बस नॉर्मली जो सिंपल सा ग्राफ है मैं वही प्लॉट कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो, तो मैंने दिया डीएफ, हमने क्या प्लॉट किया अभी पैसेंजर्स ना, flights dot passengers. तो distribution plotting देखो, same exact distribution plot हुआ है, एकदम same. अभी यहाँ पे आपको एक line दिख रही है, that line is nothing but the KDE plot, है ना, kernel density estimation, that is nothing but the PDF, probability density function निकालता है किसी भी graph का, ठीक है। तो what you see here is कि कौन से values कितने density पे
होल्ड है, राइट? सो अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पर एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ होता है, दैट इज योर KDE, उसको कहते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। KDE प्लॉट भी अलग होते हैं, तो अगर आपको KDE नहीं चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू इज KDE आप रिमूव कर सकते हो। KDE के फैक्टर्स आते हैं काफी, लेट्स से ओके SNS डॉट टेस्ट प्लॉट आपने दिया DF flights डॉट passengers डॉट, अच्छा आपको नहीं चाहिए KDE आप ले सकते हो KDE इक्वल्स टू फॉल्स। तो सिर्फ विदाउट KDE आपको एक ग्राफ फॉर्म होकर आ जाएगा नॉर्मल, जैसा आपको हिस्टोग्राम पे भी दिखा था, ठीक है? आप यू नीड टू राइट पैलेट्स या आपको पैरामीटर्स देने हैं, तो आप यहाँ शिफ्ट प्रेस करो और यू चेक द पैरामीटर्स। तो हिस्टोग्राम है, KDE है, फिट है, ठीक है? फिट के पैरामीटर्स आप दे सकते हो, फिर आपके पास कलर्स के पैरामीटर है, कितने कलर्स आपको चाहिए। तो डॉग स्ट्रिंग में देखो क्या दिखा रहा है, फ्लेक्सिबली प्लॉट अ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? बाकी पैरामीटर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं कि इंस्टाग्राम बुलियन होता है, ऑप्शनल है आपको रखने हैं नहीं रखने हैं। KDE क्या है आपका, KDE वेदर टू प्लॉट अ गॉशियन कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट करना है या नहीं करना है, तो ये सारे ऑप्शनल हैं। आपको कलर्स चेंज करने हैं, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। आई नीड टू डिफाइन दोस कलर्स, राइट? आप लिख रहे हो तो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? नहीं करना है तो यू कैन लीव इट एज इट इज, ठीक है? अब कलर्स क्या हो गए, आपने लिख दिया PLT डॉट कलर्स, तो कितने कलर्स हैं आपके पास, एक्सेंट एक्सेंट ब्लू 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 आर्स, ये जो मैंने आपको दिखाया था शायद एक बार याद करो, लिस्ट ऑफ कलर्स मैंने जो बताया था ना, ये सारे आपके पास पैलेट्स हैं, यही कलर है, ठीक है? कलर मैप्स जो आपके मैटप्लॉटलिब में होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ, कलर मैप्स ले लो, या आप इनको ये भी कह सकते हो कि ये पैलेट्स ही होते हैं। तो पैलेट में कितने कलर्स होते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे आप, PLT डॉट कलर कलर मैप्स फंक्शन लगा दो एंड पैलेट में यू विल फाइंड दिस कलर्स, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? ये इतने कलर्स हैं, ये आपने शायद देखा होगा कल या डे बिफोर यस्टरडे हमने किसी ग्राफ में यूज़ किया था, है ना? चलो सॉर्टेड वे में होते हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं, ये क्लियर हो गया, डिस प्लॉट क्लियर है क्या? स्कैटर प्लॉट देखते हैं। तो अगर कैटेगरिकल प्लॉटिंग करना है तो कैटेगरिकल प्लॉटिंग में आपके पास दो प्लॉट्स आते हैं, स्ट्रिप प्लॉट स्वाम्प प्लॉट। अब स्ट्रिप प्लॉट और स्वाम्प प्लॉट किसके कैटेगरी होते हैं, स्कैटर प्लॉट के। तो व्हाट स्कैटर प्लॉट डज, इट जस्ट कंपेयर एक्स एंड वाई एंड प्लॉट द वैल्यू अकॉर्डिंगली वेयर दिस कोइंसाइड्स, वेयर दैट कोइंसाइड्स, राइट? तो अगर लेट्स से एक सैंपल के लिए हमने दे दिया कुछ हाइट्स, ठीक है? चलो लेते हैं, लेट्स से 62 ठीक है, कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, रैंडमली ले लेते हैं कुछ वैल्यूज, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, चलो लाइक BMI इंडेक्स निकालते हैं ना सैंपल, वैसे ही कुछ है। सर स्क्रीन इज नॉट शोइंग, नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन आप लोगों को? नो सर, किसी को नहीं दिख रहा? दिख रही है सर, मैं एक बार स्टॉप करके वापस से शेयर कर देता हूँ। अभी दिख रहा है क्या साक्षी? यस सर, देखो तो एक्स एंड वाई अभी हाइट एंड वेट के जैसे हमने ले लिया, ठीक है? तो SNS डॉट स्कैटर प्लॉट,
एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, वाई हमारा क्या हो जाएगा, वेट, ठीक है। ऐसा प्लॉट कर दो, अब क्या प्रॉब्लम आया, साइज है क्या, कुड नॉट इंटरप्रेट वैल्यूज ऑफ द हाइट, अच्छा 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 हमने इसमें दे दिया ना, तो ये आपको वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना है, 62 पे 120, 64 पे 130.2 आएगा वैल्यूज, है ना, इस तरह से आपने ले लिया वैल्यू, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। स्कैटर प्लॉट, अब इसी स्कैटर प्लॉट पे आपके पास दो क्राइटेरिया होते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे वो दे दूँ, इसको मैं पूरा प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसके कुछ 4 से 5 आप रख लो, अच्छा इधर गया, कितने आप बस देख लो अभी, बाकी आप लोग खुद से रन कर लेना और चेक कर लेना। तो ये स्कैटर प्लॉट काम करता है, इसे डिस प्लॉट क्लियर हो गया होगा, ये स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट में दो काइंड होते हैं, स्वैम्प प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट। स्ट्रिप प्लॉट में यू गेट अ प्लॉटिंग राइट सिमिलर टू द स्कैटर प्लॉट, क्योंकि उसी का कैटेगरी है, तो प्लॉटिंग सेम होगा बट द पॉइंट्स व्हाट यू विल गेट विल बी ओवरलैप्ड, ठीक है, सॉरी विल नॉट बी ओवरलैप्ड, क्योंकि देयर इज अ फंक्शन ऑफ जिटर व्हिच यू कैन मेक एज फॉल्स, सो द पॉइंट्स विल नॉट बी ओवरलैप्ड, बट इन केस ऑफ स्वैम्प प्लॉटिंग यू विल सी द ओवरलैपिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर डेफिनेशंस लिखना हो तो आपके पास वो होगा आई थिंक, जिसमें आपके पैंडास के फंक्शंस और वो सब थे दैट यू कैन यूज, ठीक है। स्ट्रिप प्लॉट, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल स्ट्रिप प्लॉटिंग में अगर आप यहाँ पे कोड है इसे ले लेते हैं, किधर गया कोड, आयरिस डेटा का है, अच्छा ठीक है, तो डेटा लोड करते हैं और लिख लेते हैं, प्लॉट पे देखो अभी वैल्यूज आपको जैसे दिखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। यही स्वैम्प प्लॉट पे दिखाऊंगा सेम वैल्यूज, देखो अभी कैसे चेंज होगी। प्लॉटिंग आपको जो दिख रहा है ये ऐसे ही प्लॉट आएगा, ठीक है, बट ऑर्डर्स प्लॉटिंग का देखना कैसा आएगा, ओवरलैप पॉइंट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग आप हटा सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज जो होंगी आपके पास ये थोड़े से डिस्टेंस में होंगे वैल्यूज, ये देखो वैल्यूज आपको यहाँ दिख रहे हैं, अच्छा स्वाम हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे वैल्यूज जो होंगे थोड़े से डिस्टेंस डिस्टेंस में होंगे, देखो है ना, ये देख, तो ओवरलैपिंग में दिख रहे। अब ये यहाँ पे आपको चेंज करना हो तो व्हाट यू कैन डू इज, मैंने क्या कहा, आपके पास जिटर फंक्शन होगा जिसको आप अगर आपको चेंज करना है तो जिटर इक्वल्स फॉल्स लिखो आप, तो फिर आपको स्ट्रेट लाइंस दिखेंगे, अब सारे के सारे वैल्यूज एक साथ ओवरलैप है, इनको हटाना हो है ना, तो अगर ज़्यादा जूम इन करोगे इससे ज़्यादा जूम इन हो नहीं रहा शायद, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है वो ओवरलैप नहीं है अभी जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली आधे वैल्यूज हट भी जाते हैं इस केस में, तो स्वैम्प प्लॉट को आप बेटर कंसिडर करते हो किससे, स्ट्रिप प्लॉटिंग से, ठीक है। तो जिटर फंक्शन होता है, पैरामीटर्स आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना जाकर,
तो स्ट्रिप प्लॉट क्या करता है, स्कैटर प्लॉट क्रिएट करेगा विद कैटेगरिकल वेरिएबल्स, जैसा कि आप देख रहे हो वैल्यूज। अगर आप नॉर्मल प्लॉटिंग भी करते हैं एक्स और वाई के वैल्यूज देखकर पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम से भी, तो आपके वैल्यूज ऐसे आएंगे। अगर नॉर्मल प्लॉटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, पीएलटी डॉट स्कैटर, ठीक है। अगर आपको स्कैटर प्लॉट करना है तो पीएलटी डॉट स्कैटर करोगे, और तो एक्स में क्या वैल्यूज होगा, आयरिस डॉट स्पीसीज दिया था ना, स्पीसीज डॉट वैल्यूज, और वाई में क्या बोलते हैं, आयरिस डॉट स्पेक्ट्रम लेंथ डॉट वैल्यूज, और ऐसा रन करोगे तो दिख रहा वैल्यूज एकदम सेम जो स्ट्रिप प्लॉट पे दिख रहा आपको। अरे बात समझ में आ रही है, यस सर, है ना। तो स्वाम प्लॉट को हम क्या करेंगे, स्ट्रिप प्लॉट से बेटर कंसिडर करते हैं हमेशा, राइट। चलो इसके बाद हमने एक काउंट काउंट प्लॉट करके फंक्शन पढ़ा है कि किसी भी चीज़ों में हम काउंट प्लॉट इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने फ्लाइट्स का डेटा रखा था, फ्लाइट्स का सैंपल एक बार, अच्छा फ्लाइट्स का डेटा में ईयर जो थे वो ईयर कैसे थे हमारे पास, ऐसे कुछ कितने ईयर थे, 143 के आसपास दिख रहा था। तो इस पे देखो वी हैव रिपीटेशंस ओवर देयर, तो रिपीटेशंस को अगर देखने थे तो हम क्या करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू वैल्यू काउंट्स, याद है, किसी भी कॉलम में रिपीटेशंस काउंट करने हैं तो वैल्यू काउंट्स आप देख सकते हो। तो एवरी कॉलम इज, अच्छा एवरी ईयर इज हैविंग विद द 12 इटरेशंस, तो इस पे नहीं जाते हम, एक काम करते वी गो टू डिफरेंट आयरिस डेटा सेट पर चले जाते हैं, क्योंकि इसका पूरा आपको डेटा जो ग्राफ दिखेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा, एक बॉक्स काइंड का। तो इससे थोड़ा सा आगे जाकर आयरिस पे स्पीसीज को देखते हैं, ठीक है। स्पीसीज के वैल्यू काउंट्स तो चेंज ही होंगे ऑब्वियसली, या पेंगुइन का डेटा लो उस पर ज़्यादा आपको आई थिंक बताएगा और कुछ भी नहीं है, उसका कुछ ज्यादा बड़ा पर्पस नहीं है, बट हाँ बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। लेट्स से आप क्या दोगे, मुझे काउंट क्या करना है, जैसे मुझे स्पीसीज काउंट करना है, मैंने दिया स्पीसीज काउंट करना है, कौन से डेटा से काउंट करना है, फ्रॉम वेयर यू नीड टू काउंट इट, आप डेटा डिफाइन करोगे, आपको पेंगुइन से चाहिए तो आप पेंगुइन दे दिया, ठीक है। आपको ह्यूज सिमेंटिक चाहिए, ठीक है, बाद में दिखते हैं ह्यूज सिमेंटिक को, अभी पहले रन करते हैं। देखो तो क्या दिख रहा है आपको, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंगुइन, आप स्पीसीज आपको दिखा दे रहा है कि ये दीज आर द 3 डिफरेंट स्पीसीज एंड अकॉर्डिंगली आपके वैल्यूज क्या है, ये समझ आई बात, सारे वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, हाँ ठीक है। चल आगे, बाकी काउंट प्लॉट हमने पहले भी देखा है कि अब अगर हम डेटा सेट लोड करते थे, नेटफ्लिक्स का डेटा सेट हो या किसी ईयर का डेटा सेट हो, उन पे काउंट प्लॉट अगर नेटफ्लिक्स का डेटा सेट लोड कर ले और उस पे काउंट प्लॉट, अच्छा इससे पहले नेटफ्लिक्स के डेटा सेट को लोड करने के पहले एक सैंपल चेक करते हैं पेंगुइन्स डेटा का, तो वी हैव आइलैंड, अच्छा आइलैंड के भी टाइप्स होंगे, तो बेस्ड ऑन आइलैंड्स कैन वी डिफाइन समथिंग, चेक करते हैं आइलैंड्स हैं कि आइलैंड है, अच्छा एस नहीं है, तो क्या हम इस सिमेंटिक पे बेस करके, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो वी गेट अ काउंट प्लॉट दैट ऑन दैट लेबलिंग पर्पस, जो भी हमने देखा था कल लेजेंड काइंड ऑफ थिंग, तो उस आइलैंड के अकॉर्डिंगली कितने स्पीसीज कहाँ पे हैं दैट यू कैन डिफाइन। तो आई कैन सी ये कुछ टॉर्गर्सन स्पीसीज जो है वो सिर्फ ये थोड़ा जूम करते हैं,
एडिलाई स्पीसीज जो है आपकी ये टॉर्गेसन आइलैंड पे ही सिर्फ पाए जाते हैं, ऐसा इसने डेटा में दिखा रखा है। बाकी के स्पीसीज जो ये फोर स्पीसीज है वो आपका सेकेंड और थर्ड पे नहीं लाइक करता, राइट। तो आप ग्राफ ऐसे यू सिमेंटिक पे दे सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर नेटफ्लिक्स का डेटा अगर नहीं समझ आया तो नेटफ्लिक्स का डेटा आपने एक्सप्लोर किया होगा, है ना, तो उसको ले आते हैं और सिर्फ एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा नेटफ्लिक्स डॉट कॉलम्स का एक बार वाली देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या है, ईयर होगा ना, रिलीज ईयर, रिलीज ईयर का काउंट देखना हो या टाइप का काउंट देखना, तो दो टाइप थे कल ग्राफ में देखे थे। अगर रिलीज ईयर चेक करना हो तो SNS डॉट काउंट प्लॉट, तो रिलीज ईयर चाहिए, रिलीज ईयर विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या होना चाहिए आपका, वाई होना चाहिए हमारा नेटफ्लिक्स, सॉरी वाई मतलब आपका डेटा, डेटा होना चाहिए आपका नेटफ्लिक्स। फिर आपको क्यू सिमेंटिक चाहिए कि किस ईयर के या कंट्री के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए, तो आप कंट्री डाल सकते हो एंड लेट्स सी व्हाट वैल्यू कम्स, कंट्री के अकॉर्डिंगली जा रहा है कि नहीं जा रहा, काउंटर अच्छा स्पेलिंग एरर है क्या, विल गेट एनी ग्राफ, आई थिंक कंट्री में बिकॉज बहुत सारे वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज भी देखा था हमने कल, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। आई थिंक क्यू सिमेंटिक थोड़ा सा वास्ट होने वाला है, वेट करते थोड़ा। दूसरा कुछ क्यू सिमेंटिक लगा लेते हैं बेस्ड ऑन टाइटल, ठीक है, रिलीज ईयर बेस्ड ऑन टाइटल, ये जल्दी वर्क करेगा, दो ही पैरामीटर्स हैं इसमें आई थिंक, इतना टाइम क्यों लगा है। देखना है फंक्शंस काफी टाइम ले रहा है, इसको हटाओ बाद में, आप लोग रन करके देख लेना ना वैल्यूज कैसे आ रही हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो काउंट प्लॉट ऐसे चलता है, सर इतनी सारी वैल्यूज है कि वो ग्राफ से ही बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं क्या, आ गया क्या आउटपुट, हां सर, यानी इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ग्राफ से बाहर एक बार शो करोगे क्या, कैसा दिख रहा है, स्क्रीन शेयर करूं, हाँ हाँ वैसे हाँ हाँ नीचे लो, वही मैं सोचा कि स्टेट्स ये तो बाहर आ गया, इंडेक्स पूरा बाहर नीचे आ गया होगा शायद, है ना, अरे प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है, चल ओके।
इसका इंडेक्स काफी ज्यादा आ गया तभी टाइम ले रहा था। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया ना स्वाम प्लॉट कैसे होता है। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में एक बॉक्स प्लॉट होता है। बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, आपके पास विस्कस होते हैं। विस्कस मतलब आपके रेंजेस, जो वैल्यूज एक्स एंड वाई जैसे आपने ले लिया तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे वैल्यूज। अगर स्मॉल डायमेंशन में वैल्यूज हैं तो वो पॉइंट्स दे देगा या कुछ डायमंड्स काइंड ऑफ शेप्स आ जाएंगे तो आप इसीलिए आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं तो आपके पास एक लाइन होंगे, सिंपली उस लाइन के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज मिलेंगी। जैसे मान लो बॉक्स प्लॉट में मैंने ले लिया, मैंने लिया एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट। ठीक है, कुछ वैल्यूज का ले लेते हैं। मान लो मैंने एक फैक्टर दिया x इक्वल्स टू स्पीसीज और y में मैंने दे दिया पेटल लेंथ। ठीक है, प्लॉट कर दिया, डेटा नहीं छोड़ दिया, डेटा छोड़ दिया। कहाँ से लेना आपको, आईरिस डेटा से लोड किया ना वहाँ से। तो देखो एक वैल्यू आके आपको मिलेगी कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाइक कर रहे हैं। सेटोसा कैटेगरी का वैल्यू जो हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कुछ अराउंड 2 तक जा रहा है। वो असी कलर्स के वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं। और ये वजनिका का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक, 6 पॉइंट समथिंग तक जा रहा है। आई थिंक 7 नहीं जा रहा, टच नहीं कर रहा, 7 6 पॉइंट समथिंग तक जा रहा है। वैल्यूज कैसे चेक कर सकते हो, आईरिस का वैल्यू चेक करना है, सिर्फ सेटोसा का वैल्यू चेक करना है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही में उतनी लाइक कर रहे कि नहीं। iris dot species equal equal setosa, ये आ गया सारा setosa का कैटेगरी है ना। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजीली आप अभी इटरेट कर सक रहे हो चीज़ें। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है setosa का कैटेगरी और क्या लिया हमने, पेटल लेंथ लिया। ठीक है, तो setosa का पेटल लेंथ, अच्छा सिर्फ setosa का पेटल लेंथ चाहिए तो आप इसको निकाल सकते हो। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, कि सिर्फ स्पीसीज देखना है और आपको क्या देखना है इस पे बताओ मुझे, सिर्फ इसका इस डेटा फ्रेम का आपको क्या देखना है, सिर्फ स्पीसीज देखना है और क्या देखना है, पेटल लेंथ देखना है। तो ऐसे निकाल सकते क्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम है बताओ जल्दी, कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को नहीं समझ आया हो तो वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डॉट मैक्स देखेंगे तो अच्छा इस पर तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, अगर डायरेक्टली आप दिखोगे डॉट मैक्स तो आपको एक सीरीज ही मिलने वाला है। तो इनका मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 1.9 और मिनिमम कितना आ जाएगा भाई, मिनिमम 1 आ रहा है, तो सही तो आ रहा है हमारे पास वैल्यूज जो आ रही हैं। मैं इनको कुछ पोस्ट 5 इटरेशंस देख रहा हूँ सर। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज दिख रहे हैं ये 1 से स्टार्ट होकर कितना दिखाया था 1.9, तो अराउंड 2 के पास, समझ आई बात। ऐसे ही आप दूसरा कैटेगरी देख सकते हो कि वर्सी कलर कैसे लाइक कर रहा है, वर्सी कलर, तो वर्सी कलर का हो गया 4.6 दिख रहा है आपको, कुछ 4.7 मुझे दिख रहा है, 3 के अराउंड स्टार्ट हो रहा है और 4.9 लास्ट दिख रहा है। आई थिंक वही ज़्यादा होगा क्योंकि 5 टच कर रहा है, अच्छा नहीं 5 से ज़्यादा भी होगा, आई थिंक चेक करते हैं, 5.1 है। समझ में आई चीज़ें, और ये स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है वो आपको मीन वैल्यूज बताएगा, इसका मीन कितना निकलेगा आपके पास 4.26। देखो आपको एक लाइन दिख रहा होगा वो 4.26 के अराउंड होगा यहाँ पर, समझ आ रही बात, इधर ये सारी चीज़। तो ऐसे बॉक्स प्लॉट होता है और इसी के अकॉर्डिंगली आपके पास वायलिन प्लॉट होता है। वायलिन प्लॉट में KDE प्लॉटिंग्स आती हैं एकदम सिमिलर। अब आप एक पेयर वाइज प्लॉटिंग करोगे तो आप पेयर प्लॉट यूज करते हो, तो पेयर प्लॉट में आपके क्या होते हैं, पेयर वाइज प्लॉटिंग। ठीक है, तो पेयर वाइज प्लॉटिंग में लेट्स से अगर हमने प्लॉट कर दिया SNS डॉट पेयर प्लॉट, आयरिस कैटेगरी को प्लॉट करो या आप पेंगुइन्स कैटेगरी किसी को भी प्लॉट कर सकते हो। तो मैंने दे दिया फैक्टर्स आयरिस, इस कैटेगरी को सिर्फ प्लॉट करना। अब इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो हाँ क्यू सिमेंटिक है आपके पास, पैलेट है, ठीक है, काइंड कौन सा काइंड चाहिए, कौन सा डायगोनल काइंड चाहिए आपको, हाइट्स कैसे होने चाहिए, ठीक है,
ड्रॉप नल वैल्यूज, अगर नल वैल्यूज हैं तो उनको हटाना है कि नहीं हटाना, साइज क्या रखना है आपको, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके अगर मैं पैरामीटर यहाँ पे दूँ, जैसे मान लो मैंने दे दिया पैलेट, तो पैलेट में से मैंने दे दिया सर वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे देना है कि काइंड ऑफ द ग्राफ, तो चार काइंड के होते हैं आपके पास, सॉरी आपके पास आएंगे, हिस्टोग्राम ग्राफ आएगा, और या तो आप ले सकते हो काइंड पे, आपके पास यहाँ पे होंगे ऑप्शन, रिग्रेशन ग्राफ या हिस्टोग्राम ग्राफ आप क्रिएट कर सकते हो, स्कैटर ग्राफ या रिग्रेशन ग्राफ, किधर कहीं तो आएगा आपके पास काइंड पे, ये रहा। तो स्कैटर ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ, रिग्रेशन ग्राफ और के डी ग्राफ आप क्रिएट कर सकते हो, और डायगनल काइंड में हिस्टोग्राम और के डी ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो काइंड मेथड से मैंने ले लिया के डी का ग्राफ मुझे चाहिए, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, मुझे मान लो के डी का ग्राफ देखना है, ठीक। और डायगनल जो होता है, डायगनल में आपके पास यूनिवेरिएट डेटा फॉर्म होते हैं, मतलब एक ही कॉलम, जो पर्टिकुलर कॉलम दिया हुआ है उसी कॉलम का डेटा आपको डायगनल्स में दिखता है। तो डायगनल काइंड में आप हिस्टोग्राम भी ले सकते हो या आप रिग्रेशन डाल सकते हो, मैंने रिग्रेशन डाल देखा है, ठीक है, या आप जो भी जैसा आपको देना है, आप इंस्टाग्राम देना है तो इंस्टाग्राम भी देख के रख सकते हो, ठीक है, चलो आगे। और ह्यू सिमेंटिक आप दे सकते हो, किसके रेस्पेक्टिवली में देखना है, तो मुझे स्पीसीज के रेस्पेक्टिवली में देखना है। तो अब इसको रन करते हैं, ये देखो तो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, के डी प्लॉटिंग दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से होता है के डी का प्लॉट। सारी बात थीम सेट कर लो, अगर थीम चेंज करने हो तो आप सेट कर सकते हो। अभी आपको ग्राफ दिख रहा होगा, वाइट हमने सेट कर दिया तो पूरा वाइट आ रहा है, ये ग्राफ आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? केडी प्लॉट, तो केडी प्लॉट ऐसे ही चलता है, ठीक है, वैल्यूज अगर जॉइंट प्लॉट आता है, एक जॉइंट प्लॉट में आपको पर्टिकुलरली जो वैल्यूज आती हैं केडी प्लॉट में, तो अगर आपको क्या कहते हैं एस्टिमेट करना है वैल्यू, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू अगर एस्टिमेट करना है तो केडी प्लॉट बेस्ट होता है। अगर नॉन पैरामेट्रिक वे में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको एस्टिमेट करना है वैल्यूज, तो ठीक है, तो आप जॉइंट प्लॉट यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीट कोड्स में भी दी होंगी आपकी, मैंने दे रखा है वो चीज़ भी, ठीक है, या तो आप हेक्समैन प्लॉट यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट दी हेक्साग्राम प्लॉटिंग, या तो जॉइंट प्लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जॉइंट प्लॉट को यूज़ करेंगे अगर, तो SNS डॉट जॉइंट प्लॉट, तो जॉइंट प्लॉट में क्या होगा, एक आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक वैल्यू जो आपको मिलेगा वो होगा बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का एनालाइजेशन, मतलब एक मल्टी पैनल फिगर फॉर्म होगा जिसमें आपको एक साइड आपके वैल्यूज जो दिखेंगे वो क्या होंगे, स्कैटर प्लॉट होंगे, ठीक है, उस पर आप डिफाइन कर सकते हो कि किस काइंड का आपको वैल्यू चाहिए। एक स्कैटर प्लॉट होगा और बैक साइड में जो ग्राफ फॉर्म होगा वो दैट विल बी अ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एक्सेस, जैसे आपने एक्स और वाई के बीच में रखा, मान लो आप पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के बीच का पेटल विड्थ और पेटल लेंथ, इन दोनों के बीच का अगर आप ग्राफ देख रहे हो, तो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का कुछ स्कैटर प्लॉट होगा। अब स्कैटर प्लॉट कैसा दिखेगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो, इनका स्कैटर प्लॉट कैसा दिखता है, डायगनल काइंड इक्वल्स टू स्कैटर रख दो, और हिस्टोग्राम पर मैं चेंज करके कर दे रहा हूँ के डी प्लॉट, तो अभी देखो वैल्यूज, ये के डी प्लॉट आपको दिख रहा है ऑन हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम पे सारे वैल्यूज आपके नथिंग बट क्या है, यूनिवेरिएट डेटा। तो ये देखो आपको स्कैटर प्लॉट दिख रहे हैं, ये स्कैटर प्लॉट्स का अभी जो ग्राफ हम क्रिएट करेंगे पेटल विथ वर्सेस पेटल लेंथ ले ले, तो ये आपको प्लॉटिंग दिखेंगी यहाँ पर अभी जॉइंट प्लॉट में, देखो, और बैक साइड में जो आपको इमेज दिखेगा वो इनका यूनिवेरिएट ग्राफ होगा, ठीक है। यूनिवेरिएट ग्राफ मतलब इसी ग्राफ में अगर काइंड में डायगनल ट्रायंगल में हिस्टोग्राम क्रिएट करूं, तो फॉर एग्जांपल, अरे यहाँ पे तो था ही, चलो, तो पेटल लेंथ का क्या है हिस्टोग्राम, ये है, और पेटल विड्थ का हिस्टोग्राम कहाँ पे आएगा, पेटल विड्थ का हिस्टोग्राम ये है, तो ये दो ग्राफ्स आपको क्रिएट, ये वर्टिकली जाएगा और वो हॉरिजॉन्टली आएगा, बस यही डिफरेंस आने वाला है आपको ग्राफ,
ठीक है, तो मैं इसको केडीई एज इट इज रहने देता हूँ अभी, स्टॉप करके रीनेम। देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, तो ऐसे आएंगे वैल्यूज, ये इस तरफ में होगा और ये इस तरफ में होगा, वर्टिकली है ना, हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, रन करो और मैं नीचे अभी जॉइंट प्लॉट रन करता हूँ। तो SNS डॉट, समझ में आया क्या कह रहा हूँ? जॉइंट प्लॉट मैंने ले लिया पेटल में। हाँ बताओ भाई, समझ में आया? बोलो बोलो, इतने लोग हैं, सबको पूछ रहा हूँ, कुछ समझ आया कि नहीं आया? किधर गए? समीक्षा, क्षितिज, साक्षी, शिवानी, आशिमा, ये सब समझ आ गया? आ गया ना। हाँ चलो, इसको प्लॉट करना है, डेटा आयरिस है हमारे पास, ठीक है, एकदम सुंदर सा ऐसा प्लॉट कर दो जॉइंट प्लॉट। कलर चेंज करना होगा, आप कलर भी दे सकते हो। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट तो ब्लू ही रहते हैं। ये प्लॉटिंग दिख रही है, यही जो अभी मैंने कहा कि ये प्लॉटिंग आपको दिखेगा। ये देखो ध्यान से, देखो थोड़ा सा इधर कर दो, ये दिख रहा है पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ का ग्राफ, ये देखो वही सेम प्लॉट है। और उसके बाद मैंने कहा था आपको क्या कि हिस्टोग्राम दिखेगा आपको, ये साइड में ऐसा और ऐसा, और यही हिस्टोग्राम आपको दिख रहा है कि पेटल लेंथ के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक हिस्टोग्राम है और पीछे पे एक, बस समझ में। अब इसके पैरामीटर्स हैं, कलर्स, कलर्स के पैरामीटर्स होते हैं इसमें, चेक कर लो कैसे, शिफ्ट प्लस टैब। तो काइंड आपको स्कैटर प्लॉट है। अब काइंड आपके पास कितने सारे होते हैं कि आप काइंड चेंज कर सकते हो, केडी प्लॉट चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, हेक्सागोनल प्लॉट चाहिए, रेसिडुअल प्लॉटिंग चाहिए कि रेग्रेशन प्लॉटिंग चाहिए, ठीक है। बाकी आपके पास कलर है, मैटप्लॉटलिब डॉट कलर्स लिख के आप चेक कर सकते हो, बाकी कलर्स मैंने तो दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब डॉट कलर्स लिखोगे तो क्या आएगा, देख लो फंक्शन, देख लो तो आपके पास कलर्स तो अब मैंने लिख दिए आपके पैलेट्स में वैसे भी, तो आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने दे दिया कलर, नॉर्मल कलर्स जो आप यूज़ करते हो ना, बस वही देना है यहाँ पर। और काइंड आपने देखा कि हम काइंड भी यूज़ कर सकते हैं, तो काइंड अगर स्कैटर प्लॉट की जगह मैं दे दूँ KDE, तो ये एक बड़ा सुंदर सा ग्राफ क्रिएट होगा ऐसा कुछ, ठीक है। और मैं अभी SNS डॉट स्टाइल चेंज कर दे रहा हूँ इसका, वाइड ग्रिड एकदम अच्छा नहीं लगता। थीम सेट करा दे रहा हूँ वापस बैक टू जैसा था ये वैसे, ठीक है। ये KDE ग्राफ क्रिएट हो गया आपके पास, यही ग्राफ्स आपको यहाँ पर दिख रहे थे KDE प्लॉट में, कुछ इधर पे ऐसा दिख रहा है, यही KDE ग्राफ आपको दिख रहा है। यहाँ पे थ्री ग्राफ नहीं दिखेंगे आपको, एक ही ग्राफ दिखेगा, क्योंकि यहाँ स्पीसीज के रेस्पेक्टिवली में हमने दिखाया ना, तो ये तीनों अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं सबके। अगर इसको स्पीसीज के रेस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे तो ये एक सिंगल ग्राफ फॉर्म होगा और आपको ऐसा ही ग्राफ दिखेगा जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? हाँ बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी फेसेड ग्रिड पे जाते हैं। फेसेड ग्रिड क्या होता है? तो फेसेड ग्रिड का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा होगा कहीं। तो सब प्लॉट ग्रिड है किसके लिए? कंडीशनल रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। कंडीशनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या करते हो आप? फेसेट ग्रिड का यूज करते हो। मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ऐसा, ठीक है। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये सामने एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने लिख दिया फेसेट ग्रिड। अच्छा डेटा लोड करते हैं, टाइटेनिक का डेटा लोड कर रहे हैं। है क्या लोडेड? आई थिंक अगर नहीं भी होगा तो भी चल छोड़ो, एक नॉर्मल देख लेते हैं। लेट्स से ए इज इक्वल्स टू SNS डॉट फेसेट ग्रिड। अच्छा डेटा लेट्स से हम बात कर लेते हैं इसकी, टाइटेनिंग सॉरी आयरिस डेटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे आयरिस डेटा पे या नेटफ्लिक्स डेटा पे अगर काम करें तो डेटा, हाँ ठीक है। स्पीसीज ले लो, पेंगुइन डेटा ले लेते हैं, डेटा कॉलम ले लेते हैं ये, और आप डेटा ले लो पेंगुइन्स का।
तो अभी वी नीड टू मैप अ फंक्शन कि हमको करना क्या. तो मैप फंक्शन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं? इधर है भाई, ये देखो इनिट सिग्नेचर. इनिट आपको पता होगा कि कुछ भी इनिशियलाइजेशंस करने हैं तो आपको ऐसे देना है. पायलट्स आप दे सकते हो, रो ऑर्डर्स दे सकते हो, व्यू ऑर्डर्स. जब आपको व्यू सिमेंटिंग जो मिलता है उसका भी आप एक लिमिट वाई लिमिट सेट कर सकते हो. आपको जो एक हिस्टोग्राम फॉर्म होकर आएगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे काइंड होते होंगे. किधर गया, एक मिनट देखा. चलो ठीक है, तो मैप फंक्शन में आप जो भी लिखते हो दैट मैटर्स राइट. तो मान लो आपने लिख दिया हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, बार ग्राफ प्लॉट करना है, बार ग्राफ लिख सकते हो. तो हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, रन करो. अच्छा, हिस्टोग्राम किसके रेस्पेक्टिवली में रन करना है वो भी लिख दो. कि लेट्स से पेंगुइन्स के पैरामीटर्स में अगर मैं जाऊँ तो आई थिंक आइलैंड में हमने देखा था, तो आइलैंड के रेस्पेक्टिवली में अगर प्लॉट करते तो कुछ ऐसा उसका प्लॉटिंग आएगा. या आप आइलैंड दे दो और स्पीसीज के अकॉर्डिंग देख लो, ज़्यादा बेटर है. ये ऐसा कुछ दिखेगा कि कहाँ पे कितने परसेंटाइल वैल्यूज मिल रहे हैं. तो हमने देखा था कि इस आइलैंड पे सिर्फ इतने ही नंबर्स ऑफ स्पीसीज हैं, इस आइलैंड पे इतने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, और इस आइलैंड पे इतने नंबर ऑफ दिस स्पीसीज हैं, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा. कुछ समझ में आ रही बात? तो एक काइंड ऑफ काउंट प्लॉट के अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं, बट इंडिविजुअली. तो अगर मैं जैसे एक टाइटेनिक डेटा लोड कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए शायद. तो अगर मैं ये सेम फंक्शन उठाकर इधर लगाऊं टाइटेनिक पर, अच्छा लोड कर लेते हैं पहले फिर लगाते हैं. तो टाइटेनिक का भी एक आप सैंपल देख लो. तो इस पे क्या है, आपके पास सर्वाइव कॉलम है. अच्छा, ये वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे रिग्रेशन पढ़ेंगे जब, तो रिग्रेशन करेंगे आई थिंक कल स्टार्ट कर देंगे हम रिग्रेशन, ठीक है. तो ये सारे कॉलम्स आपके पास. चलो अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, A = चेंज करते हैं, B ले रहते हैं. तो कॉलम लेट से अगर आई नीड टू डिफाइन दैट कितने नंबर ऑफ मेल्स एंड कितने नंबर ऑफ फीमेल्स सर्वाइव किए हैं, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ मेल्स या फीमेल्स कौन से क्लास में सर्वाइव किए हैं, ऐसा आपको कुछ देना हो तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है. चलो देखते हैं. तो लेट से अगर मैं यहाँ पर ले लूँ क्लास, और अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पर अगर मैंने दे दिया क्लास और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सिक्स कॉलम में आइडेंटिफाई कर रहा है क्लास को, और कितने लोग या कैसे सर्वाइवल हुआ है अगर वो आइडेंटिफाई करना हो तो लेट्स सी क्या आता है ग्राफ. क्लासेस प्रॉब्लम है क्या? क्यू सिमेंटिक में क्लास में प्रॉब्लम. अच्छा, क्यू सिमेंटिक एक्टिव से है क्या दिया है? TLS क्लास. अच्छा, डेटा हमने क्लास तो दिया है, अच्छी क्या आ रहा है, एरर आएगा क्या? तो ये कुछ ऐसा छोटा सा ग्राफ हुआ है, ब्लू ग्रीन लेबल कहाँ गया? तो ऐसा बता रहा है सर्वाइव में फीमेल कितने सर्वाइव हुए, मेल कितने सर्वाइव हुए. ये ब्लू किधर से आ गया? सिमेंटिक गड़बड़ बना हुआ. एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इधर उधर. ये सही दिख रहा है थोड़ा. तो फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कितने सर्वाइव किए वो भी आपको दिख रहा है. तो जीरो आपको दिख रहा है, जीरो का मतलब हो गया कि सर्वाइव नहीं किए, वन का मतलब हो गया सर्वाइव किए. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई अपने को कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ये पता चल रहा है कि कितने सर्वाइव किए कितने नहीं सर्वाइव किए. तो 100 के आसपास सर्वाइव किए हैं फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स, ठीक है. सेकेंड क्लास में सर्वाइव किए हैं कितने कितने किए, ये कुछ 100 से कम किए हैं, और थर्ड क्लास में भी 100 से कम किए. अच्छा, ये तो बेसिस ऑफ सेक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉलम क्लास को. अच्छा, कॉलम सर्वाइव को अगर हमको देखना है, सर्वाइव कॉलम को ही हमको देखना है, और हिस्टोग्राम किसका देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास. तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, हाँ ये आ रहा है. अच्छा, तो कितने लोग सर्वाइव किए ये देखो, फर्स्ट क्लास में इतने लोग सर्वाइव किए हैं, और सेकेंड क्लास में इतने, और ऐसे थर्ड क्लास में क्लास के बेसिस पे सर्वाइवल आपको मिल गया.
अगर आप देखोगे कैसे एज ट्रैवलिंग हुआ है, तो एज ट्रैवलिंग भी आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली टू देयर सेक्स, और उस पर सर्वाइव कितने किए हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको फेसिलिटेट में दिखेगा ये ऐसा, ठीक है। तो कितने सर्वाइव किए वो उसका भी ग्राफ आपको दिख रहा है, कितने ट्रैवलिंग्स थे, फीमेल्स कितने हैं वो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको सर्वाइव। उसके बाद जो ये था ह्यू सिमेंटिक लगाया ना उसका आपको, चलो ह्यू को अगर हटा दे तो सिर्फ एक ग्राफ तो दिखेगा, तो ये आपको बताएगा कि कितने लोगों ने ट्रैवल किया है कैसे। तो आपने दिया कॉलम सिक्स, तो कॉलम सिक्स में कितने लोगों ने ट्रैवल किया, मेल ऐसे ट्रैवल किए, कितने एज के अकॉर्डिंगली कैसे थे। तो आई कैन सी दैट 25 टू 40 के बीच के जो एज थे उसमें सबसे ज़्यादा मेल्स ने ट्रैवल किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, इनको कहते हैं फेसेट ग्रिड, ठीक है सर। हाँ, जब हमने यू लगाया था ऊपर, हाँ, तो उसमें ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मेल का कलर कौन सा है, फीमेल का कलर कौन सा है। देखो तो सेकंड ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो आपका सेकंड ओवरलैपिंग कलर दिखा रहा है ना, वो आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन होता है। अच्छा, एक बार बता दीजिए सर ऊपर वाले एग्जांपल में। देखो ये u equals, मान लो कि सेक्स और एज कॉलम में सर्वाइव लगाया था ना हमने, सर्वाइव लगाया तो क्या दिख रहा है, कितने लोग ने सर्वाइव किया, जितने लोग ट्रेवल किए उस पर से कितने लोग सर्वाइव किए, और जो सर्वाइव किए उनका एज कितना था। कितने लोग सर्वाइव किए हैं, तो ये इतने लोग जो जिन लोगों ने सर्वाइव किया उनका एज ये है, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। और फीमेल्स में जो लोग सर्वाइव किए उनका ये है, ये ओके सर ग्राफ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह से अगर ग्रिड्स लगाने हैं तो ग्रिड्स लगा के भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा इधर उधर करे, अगर रो कॉलम देखे अगर तुमको बताए तो, अगर हाँ ठीक है चलो इसको ऐसा कर सकते हैं। देखो अगर तुमको रो कॉलम के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करना है तो ऐसा दे सकते हैं ये, अब देखते हैं सिमेंटिक की नहीं पड़ेगी आपको, आइडेंटिफाई हो जाएगा जो ऊपर का ग्राफ दिख रहा था वो नीचे दिखेगा। अभी देखो यही ग्राफ इसके ऊपर ओवरलैप था कि नहीं, है ना, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो मेल सर्वाइव कितना, क्या किया आपने, बस एक रो लगा दिया सिक्स रो के अकॉर्डिंगली बता दो, तो ये और ये ऐसा आपको पता चल गया, इनको एक्सिस ग्रिड कहते हैं, ठीक। अब बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे, अभी बाद में नहीं कल ही स्टार्ट करने वाले हैं, रिग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो रिग्रेशन में आपको एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, जिसपे सारे पॉइंट जितना आप क्लोज कर सकते हो ये आपको ड्रॉ करना पड़ता है वहाँ पर। तो यहाँ पर वी हैव सिंपल एक रिग्रेशन रेज प्लॉट या एलएम प्लॉट आप कह लो, आपके पास ऑप्शन होता है, रिग्रेशन प्लॉटिंग भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप बस पैरामीटर्स डालते हो और प्लॉट कर देते हो, बड़ा सिंपल सा है। और एक आपको लाइन मिलता है, बेस्ट फिट लाइन मिलता है जहाँ पर आपके पास प्लॉटिंग्स होते हैं। मान लो मुझे सैंपल लेंथ इसका ही विल बी मेकिंग, इसके मॉडल क्रिएट करेंगे, ये दोनों ही कोर्सेज में है, तो इसका एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उसमें विल सी दिस, ठीक है, एकदम सिंपल सा। सेपल लेंथ सेपल वेट के अकॉर्डिंगली डेटा इक्वल्स टू आईआरएस, और कौन कौन से इसमें आपके पास फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं, सीड ऑर्डर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन चाहिए तो लॉजिस्टिक लगाओ, लॉजिस्टिक अगर चाहिए तो, ठीक है, फॉल्स और ऐसा रहता है, लेबल्स, कलर्स, मार्कर्स, स्कैटर पॉइंट्स, ये सारा। तो प्लॉट डेटा एंड अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट। लॉजिस्टिक चाहिए तो आप लगा सकते हो कि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्लॉटिंग कैसा दिखेगा, तो ये लीनियर रिग्रेशन का प्लॉटिंग है, सिंपल, सिंपल वेट और सिंपल लेंथ के बीच में। लॉजिस्टिक चाहिए तो क्या क्या है इसने, लॉजिस्टिक आप लगा सकते हो, अगर आपने लॉजिस्टिक इक्वल्स ट्रू। तो लॉजिस्टिक का ग्राफ मैं बता दूं आपको, सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ होता है,
आपको ऊपर फॉर्मूला भी लिख दिया, तो इस तरह का लॉजिस्टिक ग्राफ आपको दिखेगा 1.0 पे कम्प्लीटली। तो कोई भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा, क्योंकि लॉजिस्टिक का ग्राफ अगर आप बताओ तो एक सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ होता है। सिग्मॉइड फंक्शन आप पढ़े हो क्या? इसने पढ़ा है क्या सिग्मॉइड फंक्शन ग्राफ? अरे जीरो से नहीं पढ़ा क्या? अरे चलो ठीक है, आपको एक सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाते हैं कैसे होता है। सिग्मॉइड फंक्शन में फॉर्मूला होता है, मतलब f of x equals to sigma of x equals 1 by 1 plus exponential के बावर में minus x। और नहीं पढ़ा होगा तो एक sigmoid graph बनाते हैं, देख लो पढ़ा है, simple सा है, कुछ नहीं है। यही graph आपको मिलता है, logistic regression graph लिख देता हूँ। sigmoid function जाके एक बार थोड़ा सा google मार लेना, ठीक है। तो होता ये है कि विद द यूज ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन आप क्या करते हो, यू रिड्यूस द लॉस ऑफ ट्रेनिंग। मतलब जब हम डेटा ट्रेन करेंगे ना, पढ़ेंगे इसको, जब डेटा ट्रेन करते हैं तो उसके बीच में जो लॉस होता है अपना डेटा का, लाइक ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट के बीच में कुछ लॉस हो जाता है डेटा, तो उसको लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप लॉजिस्टिक यूज करोगे, ठीक है। और वैल्यूज वहाँ पे बूलियन वैल्यूज आती हैं, वैसे 0 से 1 में ट्रैवल करते जो वैल्यूज, बस वही दिखेगा। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज 1 से ज़्यादा है तो आपको लॉजिस्टिक तो मिलने से रहा, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखो सारे पॉइंट जैसे थे वैसे मिल गए, लेकिन आपको नहीं मिला वैल्यू, तो लॉजिस्टिक आप फॉल्स रखोगे तो आपको एटलीस्ट एक रिग्रेशन लाइन मिलेगा जो कि बेस्ट फिट लाइन होगा, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जहाँ से क्लोज हो सकते हैं वो आपको एक लाइन दिख गया कि ये लाइन है, तो इस एरियाज में सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है ये। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ग्राफ में आप क्या देखने वाले हो, सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। और इसका कैसे बताया आपको, फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है ना, चलो इसका फॉर्मूला सिंपी में कल आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो विल यूज द फैक्टर्स नाउ, चलो तो ले लो एक्स एक ले लिया मैंने, एन पी डॉट लिन स्पेस let's say values from minus 10 to 10, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, 100 वैल्यूज ले लिया हमने, और let's say y is equals to, तो कैसे मैंने बताया आपको क्या हो गया फॉर्मूला, 1 by 1 plus e to the power of minus x, ये आपका हो जाएगा सिग्मॉइड, ठीक है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. एक मिनट, तो सिंपी का यूज करके आपको दिखा देते हैं, ये आज पाइथन का क्लास है। एक सेकंड, यहाँ पे एक थोड़ा सा यूज करता हूँ सिंपी, सिंपी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट एक हल्का सा यूज करके आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। इसको अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान से मत देखना, देखो अगर मुझे कुछ फंक्शन लिखना हो ना तो मैं ऐसा लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये क्या दिखा रहा है, डिप्रिशिएटेड इंपोर्ट मॉड्यूल, तो ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो मान लो मैंने दिया एफ जो कि है फंक्शन ऑफ एफ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो f क्या दिख रहा है, एक f, ठीक है, नॉर्मली देखो चीज़ों को। इसके बाद मैं एक लिख दिया, अरे यार, हाँ
मैंने लिख दिया एक फंक्शन जी, ठीक है। अब मैंने उसे उसका क्या फंक्शन किसका, मैंने कहा जी, तो जी ऑफ मान लो मैंने दे दिया एक्स, रन किया, अब जी क्या दिखेगा आपको, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं सिंपली इस जगह पर जैसे आपने एफ लिखा, फंक्शन क्रिएट किया और ऐसा आपने रन कर लिया, ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं ऐसा लिख दूँ एफ इज इक्वल्स टू सिग्मॉइड फंक्शन का, अगर मैंने आपको बस इक्वेशन दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ एफ, तो एफ का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये पता है आपको सिग्मा, सिग्मा का फंक्शन ये होता है, ठीक है, मैंने जैसे एफ लिखा वैसे मैंने एस लिख दिया, तो एस इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ऑफ व्हाट, अच्छा फंक्शन ऑफ सिग्मा, सॉरी फंक्शन ऑफ, मैंने लिखा सिग्मा, सिग्मा ऑफ व्हाट, सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है, रन किया इसको, तो जैसे एफ दिख रहा है वैसे एस आपको क्या दिखेगा, अरे यार ये दिखा सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन हो जाएगा ई एक्स, ठीक है, ई एक्स एक एक्सप्रेशन ले लेंगे जिसमें हमने कह देंगे कि आप ले लो एक्सप्रेशन को कैसे दोगे, एक इक्वेशन ले लो जहां आप क्या दोगे कि एफ इज इक्वल टू एस, तो ई एक्स आपको क्या दिखेगा कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक और ई क्यू ले लेंगे जहां पे हम देंगे ई एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन आपको, पार्शियल कह रहा हूँ, एक फ्रैक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर आप दोगे, तो मैं ले दे रहा हूँ ई क्यू, नॉर्मल ई क्यू, उसको मैं लिखूंगा वन बाय वन प्लस एक्सपोनेंशियल, तो नॉर्मली आप एन पी डॉट ई एक्स पी के पावर में एक्स, ऐसा, तो लेट्स सी व्हाट ई क्यू फॉर्म्स, एनी एरर्स, अनसपोर्टेड टाइप फॉर पावर्स, अच्छा तो आप इसको लिख सकते हो एक्स, तो यही है हमारा फंक्शन, ये है कि 1 बाय 1 प्लस e टू पावर माइनस एक्स, ये है आपका e क्यू। अब आई थिंक ये आ जाना चाहिए, कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर सिग्मॉइड फंक्शन, तो यही होता है सिग्मॉइड फंक्शन, आई थिंक वर्क करना चाहिए यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ दिस e x रिस्पेक्टिव टू e क्यू रन हो जाए, तो हमको इवैल्यूएट नहीं करना है ना, तो विल राइट फॉल्स, लेट्स सी व्हाट, ओके नॉट हियर, नॉट हियर, we require this here please, yep, okay, so this is the function, that is sigmoid function yahi kehta hai ki f of x is equals to sigma of x equals to 1 by 1 plus e to the power of minus x, so one nice cheez hai, chalo ab main kuch x and y liya tha, jaise le leta hu np dot len space, kuch short term values le lete hain minus 5 to 5 aur inke beech mein 100 intervals le lo, theek hai, aur ले लो y gives equals to, अब यही फंक्शन लगाने वाले हैं, सेम देख लो 1 by 1 plus np dot exp के पावर में ले लूंगा क्या माइनस x के वैल्यूज, समझ में आ रही है चीज, ये तो इधर लिखा हूँ वही हो रहा है, ठीक है, अब बाद में सर फॉर्मूला पता नहीं था हमको, यही लगाया हूँ plt dot plot, तो प्लॉट क्या करना है, x और y को प्लॉट करना है, सिंपल सा चीज है, ठीक है, अब मैंने x लेवल दे देना है यहाँ पे x लेवल, और दे देंगे क्या x एक्सिस में आपके पास x वैल्यूज हैं और plt डॉट y लेबल में आपके पास सिग्मॉइड फंक्शन है, तो आप सिग्मा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कल मैंने बताया था ऐसा ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हो क्या सिग्मा, सिग्मा ऑफ x लिख लो, रन करो, तो देखो आपको सिग्मा ऑफ x दिख रहा है वहाँ पर, ये सिग्मा ऑफ x हो गया, अच्छा सिंबल नहीं दिख रहा क्या, एक सेकेंड,
तो सिग्मा ऑफ एक्स दिख रहा है आपको वहाँ पर अभी, ये आपका सिग्मा ऑफ एक्स हो गया, ये आपका नॉर्मल एक्स वैल्यूज हो गए, और आप एक टाइटल दे दो ग्राफ को, सिग्मोइड फंक्शन, या पूरे फंक्शन का वैल्यू देना हो तो आप पूरे फंक्शन का वैल्यू भी दे सकते हो ऐसा लिखकर, जो कि अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप ये चीज देख लो, ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट, चलो ओके, ये आ गया आपका सिग्मोइड फंक्शन का ग्राफ, ऐसा वैल्यू होता है एक किसी भी सिग्मोइड फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखता है। आई बात समझ में? अरे कुछ समझ आया? इसको भूल जाओ, इधर इधर ये सब जो दिख रहा है ना इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इनका सिर्फ आउटपुट देख लो आप, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन आएगा सिर्फ माइंड में और कुछ नहीं। हाँ बस ऐसे रहने दो, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, तो ये आपका होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ। ये ग्राफ वैल्यू क्या देखो आपको कहाँ से कहाँ तक मिलता है, हमेशा वैल्यूज 0 टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर व्हेन वी सी द ग्राफ ऑफ रिग्रेशन 1, तो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। रिग्रेशन का ग्राफ अलग होता है और आपको जो सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ होता है ये अलग होता है। तो सिग्मॉइड हमेशा तभी चलेगा जब आपके पास डिस्क्रीट रिजल्ट्स हो या बूलियन रिजल्ट्स हो, मतलब 0 और 1 में रिजल्ट्स वैरी कर रहे हैं। समझ में आई बात? ओके, एंड करें क्लास, आज का एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। बाकी कल फिर हम अब रिग्रेशंस और एल्गोरिथम्स पर से स्टडी करेंगे।